गुड मॉर्निंग मित्रों, आज हम सीखने जा रहे हैं भारत के सभी राज्यों के राज्य पक्षी। तो उसमें भारत के सभी राज्यों में कौन कौन से पक्षी हैं, तो एक एक का हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। देखो, मोर कई तरह का होता है, वाइट मोर और ये ब्लू ब्लू कलर का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो ये ब्लू गर्दन वाला ही राष्ट्रीय पक्षी है। बाकी इसके साथ में जो मोरनी दिखाई दे रही है इसका कलर अलग होता है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर ही नहीं, सिर्फ मोर ही है, ठीक है। और ये सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप का राष्ट्रीय पक्षी राज्य पक्षी क्या है, लक्षद्वीप का राज्य पक्षी क्या है? तो इसका आंसर है धीवर, सूटी टर्न। ये एक तरह से टिटहरी होती है जो हमेशा जमीन पर रहती है, कभी भी पेड़ों के ऊपर अपना घोंसला नहीं रखती। घोंसला दूर, ये कभी पैर भी नहीं रखती पेड़ों के ऊपर, हमेशा जमीन पर ही रहती है और वहीं पे अंडे देती है। ये लगभग भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल का राज्य पक्षी क्या है? पश्चिम बंगाल जिसका राज्य पक्षी है श्वेत कंठ कौडिल्ले, जिसको किंग फिशर के नाम से जाना जाता है। तो ये किंग फिशर है, इसकी खासियत ये है कि तैरती हुई मछली को उड़ता हुआ पानी में से निकाल ले जाता है। तो ये अलग अलग कलर में पाया जाता है, लेकिन जो नीले पंखों वाला सबसे सुंदर दिखाई देता है। इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो ये मछलियों के अलावा और छोटे मोटे कीड़ों को भी खाता है, लेकिन खासकर मछली इसका मनपसंद भोजन है। मछलियों को जब मछली पानी में तैरती रहती है तो लगभग जब जल की ऊपरी सतह से 1 फीट की गहराई तक होती है, वहाँ से तक ये आराम से निकाल लेता है मछलियों को। तो ये आपने देखा भी होगा किसी झील किनारे, और काफी सुंदर दिखाई देता है ये बर्ड। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है? हिमालयन मैना। देखो, ये हिमालयन मैना मनुष्य की नकल करने में काफी नामी होती है, और जैसा मनुष्य बोलता है उसकी कॉपी हूबहू कर लेती है ये। तो ये तीन चार तरह की पाई जाती है, लेकिन जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है सिर्फ यही है, बाकी और तरह की इसकी किस्में नहीं है। तो नेक्स्ट, त्रिपुरा का राज्य पक्षी क्या है? त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, तो हरा कबूतर। हरा कबूतर त्रिपुरा ने अपना राज्य पक्षी बनाया, बाकी ये भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है, और संख्या के आधार पर ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कबूतर भी कई तरह के होते हैं, वाइट और येलो, ग्रीन, ब्लैक। तो ये जो ग्रीन पिजन है ये है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का राजकीय पक्षी क्या है? व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ तमिलनाडु? तो इसका आंसर है मरकटी पंडुक, एमाल डक। ये एक बतख होती है जो कई कलर में पाई जाती है, खासकर ब्लू कलर में, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बतख ही तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड ऑफ तमिलनाडु। तो खासकर नीले हरे रंग का होता है, जो काफ़ी सुंदर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट, सिक्किम का स्टेट बर्ड क्या है? सिक्किम का राजकीय पक्षी क्या है? चलो देखते हैं सिक्किम का राजकीय पक्षी क्या है। लाल कबूतर। देखो, लाल कबूतर होने को तो अपने साधारण कबूतर भी जैसा ही होता है, बस इसका थोड़ा सा कलर हल्का सा लाली मली होता है, इसलिए इसको लाल कबूतर बोला जाता है, नहीं तो बिल्कुल साधारण कबूतरों की तरह ही होता है। तो ये सिक्किम का राजकीय पक्षी है कबूतर। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है?
राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, जिसको जिसको सोन चिड़िया भी बोलते हैं, सोन चिरैया या गोडावण, बहुत सारे नाम है इसके। देखने में ये मोरनी की इतना बड़ा होता है, लेकिन आकार में उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसकी संख्या आजकल बहुत कम रह गई है, जिसकी वजह से इसे संरक्षित प्राणियों की सूची में डाल दिया गया है। इसलिए इसका आखेट पर मतलब शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध है, और अगर कोई इसका शिकार करता पाया जाता है तो उसे कड़ी सजा का प्रावधान भी है। ये जो अरावली पर्वतमाला है उसके जो पश्चिमी छोर पर या पश्चिमी इलाकों में पाया जाता है, और ये रेत में अपना घोंसला बनाता है और वहीं पे आराम से रहता है ताकि ये दिखाई न दे। इसका रंग भी रेत के जैसा ही होता है। नेक्स्ट है, पंजाब का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पंजाब का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता है कि पंजाब का राष्ट्रीय पक्षी उल्लू है, ठीक है। और जो उल्लू है उसकी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो जो खासकर जैसे दो आँखों के ऊपर सींग जैसे दिखाई देते हैं उस तरह का उल्लू पंजाब का राज्य पक्षी है। वैसे तो उल्लू की सभी प्रजातियाँ ही मानी गई हैं, लेकिन जो सींगों वाला है वो पंजाब का राजकीय पक्षी है। देखो इसकी संख्या भी काफ़ी कम रह गई है, जिसकी वजह से इसे भी संरक्षित प्राणियों की सूची में डाला गया है। नेक्स्ट, दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? देखो जो दिल्ली का राजकीय पक्षी है हाउस बर्ड, जिसको गौरैया भी बोलते हैं, इसकी संख्या घटकर काफ़ी कम रह गई है। यह पक्षी किसानों की झोंपड़ियों में ज़्यादातर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन किसानों ने पक्के मकान बनाने की वजह से झोंपड़ी की संख्या कम हो गई है, तो उनके साथ साथ में इनकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से यह काफ़ी खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है। पक्षी देखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी छोटी चिड़िया है, बहुत अच्छी, लेकिन आजकल इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई है। तो यहाँ पर दो तरह के पक्षी दिखाए गए थे, जिसमें जो रेड कलर का दिखाई देता है ये नर है, और बाकी ब्राउन कलर की मादा। नेक्स्ट है, नागालैंड का राज्य पक्षी क्या है? नागालैंड का राज्य पक्षी क्या है? तो ये एक तीतर है, इसका आंसर है तीतर, ब्लिथ ट्रैगोपान। इसका ब्लिथ ट्रैगोपान इसका वैज्ञानिक नाम है। देखो तीतर जिसकी गर्दन लाल कलर की होती है, पंख भूरे कलर के होते हैं, और नीचे वाइट कलर के स्पॉट होते हैं। काफ़ी सुंदर तीतर होता है ये, देखने में ये सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करता है। काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे संरक्षित किया गया है। ये कई रंगों में पाया जाता है, अलग अलग रंगों में, लेकिन जो रेड गर्दन वाला है उसे ही राज्य पक्षी बनाया गया है। जैसे देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये। नेक्स्ट, मणिपुर और मिजोरम का राज्य पक्षी क्या है? दोनों राज्यों ने अपना कंबाइंड एक राज्य पक्षी बनाया है, क्योंकि ये दोनों राज्य भी एक साथ ही लगते हैं, तो उनका राज्य पक्षी है मैसेज पिजन, मतलब संदेश वाहक कबूतर, संदेश पहुंचाने वाले जो कबूतर हैं उनको उन्होंने अपना राज्य पक्षी बनाया है। देखो इनकी संख्या भी आजकल घटकर बहुत कम रह गई है। ये सफ़ेद कबूतर होते हैं, लेकिन इन्हें खासकर ट्रेंड किया जाता है, और जब अगर एक कबूतर ट्रेंड कर दिया तो वो लगभग आने वाले 10 कबूतरों को ट्रेंड कर देता है। तो इस तरह से जो मैसेज पिजन है वो राज्य पक्षी है। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, देखो गलती से यहाँ पर पशु लिखा गया है, राज्य पक्षी मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है दूधराज। देखो ये काफ़ी पतला सा पक्षी है, लेकिन काफ़ी लंबा होता है, इसकी पूंछ काफ़ी बड़ी होती है। देखो आपने देखी होगी, काफ़ी सुंदर भी है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों खाता है ये। इसकी पूंछ देखो, छोटा सा पक्षी है, पूंछ इससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा लंबी है। तो ये पक्षी पूरे भारत में नहीं पाए जाते, कुछ ही गिने चुने इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे देखो ये जो नेक्स्ट पिक्चर है कितनी सुंदर है, इसकी पूंछ कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। ग्रीन कलर का ये बर्ड है, और ये वाइट कलर का बर्ड है दूधराज, इसका नाम है दूधराज। जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी क्या है? तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी क्या है। तो इसका आंसर है काली गर्दन वाला सारस। जम्मू कश्मीर राजकीय पक्षी काली गर्दन का सारस। देखो ये तुम्हें सारस दिखाई दे रहे हैं, ये एक ऐसा पक्षी है जो जोड़े में रहना पसंद करता है,
ये अपने जो साथी है उसका साथ जीवन भर नहीं छोड़ते। यदि मान लो किसी कारण से किस जोड़े में से किसी एक की मौत हो जाए, तो जो दूसरा पक्षी है, इसका जो साथी है, वो इसके वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है जुजुराना। देखो, जुजुराना भी एक तीतर या मुर्गे दोनों के बीच का पक्षी है। मुर्गे बराबर बड़ा होता है और तीतर जैसा दिखाई देता है, ठीक है? तो ये जुजुराना है, काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। ये रहा, इसको बटेर की प्रजाति भी बोल सकते हैं, बटेर। लेकिन आकार में बड़ा होने की वजह से बटेर लगता नहीं है, पर ये होता बटेर ही है, ठीक है? ये बटेर के नेक्स्ट, हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी क्या है? हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो इसका आंसर है काला तीतर। देखो, तीतर को काफी राज्यों ने अपना राज्य पक्षी बनाया है, लेकिन जो भूरा तीतर है उसको किसी ने नहीं बनाया। जी, काला तीतर, ये काला तीतर देखो कैसा दिखाई देता है, ऊपर से तीतर के समान, लेकिन जो नीचे भूरे कलर के फर होते हैं वो ब्लैक कलर के फर होते हैं। इसमें भूरे की जगह ब्लैक कलर के, आकार में सामान्य तीतर से काफी बड़ा होता है ये, और खतरनाक भी है। नेक्स्ट है, गोवा का राज्य पक्षी क्या है? गोवा का राज्य पक्षी क्या है? तो इसका आंसर है बुलबुल, नाइटिंगल बोलते हैं जिसको। इसकी आवाज़ काफ़ी मधुर होती है और इसकी पूंछ में नीचे की ओर लाल कलर के फर होते हैं, ठीक है? ये पक्षी ऐसा होता है जो उड़ते हुए किसी चीज़ को पकड़ लेता है, जैसे अगर कोई रोटी का टुकड़ा ऊपर हवा में उछाले तो इसे आसानी से पकड़ ले जाता है। ये फल फ्रूट खाने में काफ़ी माहिर है, छोटे छोटे पक्षी होते हैं ये। नेक्स्ट है, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो असम का राज्य पक्षी है सफ़ेद चित्तीर्णारी बतख। सफ़ेद चित्तीर्णारी बतख, देखो एक बतख होती है जिसपे सफ़ेद तो होता ही है, लेकिन इसमें कुछ चकते नुमा बने होते हैं, वैसे सफ़ेदी बतख होते हैं जिसको असम ने अपना राज्य पक्षी बनाया है। तो ये पक्षी दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये हैं असम के राज्य पक्षी। देखो, उड़ते बहुत कम है ये पक्षी, उड़ने में लगभग असमर्थ ही होते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो ये उड़ लेते हैं। तो इनके पंखों पे कुछ चकते बने होते हैं, इसलिए सफ़ेद चित्तीर्णारी बतख कहा गया है। उत्तर प्रदेश और गुजरात ने अपना कॉमन राज्य पक्षी चुना है, तो वो राज्य पक्षी है लाल गर्दन वाला सारस। तो देखो, लाल गर्दन वाला जो सारस है, यहाँ पर सारस दिखाया गया है, लेकिन लाल गर्दन वाला जो सारस है वो उत्तर प्रदेश और गुजरात का राज्य पक्षी है। देखो, लाल गर्दन वाला जो सारस है वो अपने अंडे पानी के बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर रखता है, ताकि जो स्थलीय जीव है उनसे इनकी अंडों की सुरक्षा हो सके। ये काफ़ी प्रेमी जोड़े होते हैं, इनमें अगर किसी की मौत हो जाए तो दूसरा जीवित नहीं रहता, एक दूसरे के वियोग में। ये अपने साथियों का भी जीवन भर धोखा नहीं देते। सभी जीवों में सबसे ज़्यादा विश्वासपात्र जीव होता है ये अपने साथी के प्रति। तो ये काफ़ी सुंदर होते हैं और इनकी हाइट भी लगभग 6 फीट के आसपास होती है। झारखंड और पौंडीचेरी ने भी अपना राजकीय पक्षी चुना है, दोनों ने सेम ही राजकीय पक्षी चुना है, तो इनका भी कॉमन राजकीय पक्षी क्या होगा? चलो देखो, कोयल। देखो, कोयल की आवाज़ काफ़ी सुंदर होती है। कोयल, ये जो इनका नर पक्षी होता है कोयल, वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, काले कलर का होता है, इसकी आंखें लाल लाल होती हैं, और जो मादा कलर का है वो भूरे कलर का दिखाई देता है। ये सुंदर दिखाई नहीं देता, मादा कोयल पक्षी सुंदर नहीं दिखाई देता। और सिर्फ, चलो नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी क्या है? अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी क्या है? तो इसका आंसर है धनेश।
धनेश, देखो इसकी दो चोंच दिखाई देती है लेकिन होती एक ही चोंच है। इसको हॉर्नबिल भी बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश का। हॉर्नबिल कई रंगों के होते हैं लेकिन जो कम रंग बिरंगा है, ये मतलब भूरे कलर का है, इसको ही इन्होंने अपने राज्य पक्षी चुना है। ठीक है, देखो ये काफ़ी सुंदर फोटो दिखाई दे रही है इनकी। इसको धनेश बोलते हैं, हॉर्नबिल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। छत्तीसगढ़ और मेघालय का राज्य पक्षी क्या है? छत्तीसगढ़ और मेघालय का राज्य पक्षी क्या है? दोनों ने अपना कॉमन राज्य पक्षी चुना है क्योंकि दोनों एक दूसरे से लगते हुए हैं। तो इसका आंसर है पहाड़ी मैना। देखो पहाड़ी मैना काले कलर की होती है, लाल इसकी चोंच होती है और पीले इसके लगभग पैर होते हैं। ये पक्षी भी नकल करने में नामी होती है। इसका आकार साधारण मैना से लगभग 4 गुना बड़ा होता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना का राज्य पक्षी कौन सा है? देखो इन दोनों राज्यों ने भी, दोनों नहीं, चारों राज्यों ने अपना कॉमन राज्य पक्षी चुना है, तो वो है नीलकंठ, जिसको कठफोड़वा भी बोलते हैं नीलकंठ को। लेकिन ये कठफोड़वा थोड़ा सा छोटा होता है। देखो ये नीलकंठ दिखाई दे रहा है, इसे भगवान महादेव का पक्षी बोलते हैं या फिर भगवान महादेव का एक रूप भी बोलते हैं। इसके पंख नीले होते हैं और कुछ हिस्सा इनका हरा भी होता है। ठीक है, काफ़ी सुंदर पक्षी होता है ये देखने में। तो नेक्स्ट है महाराष्ट्र का राज्य पक्षी क्या है? महाराष्ट्र का राज्य पक्षी क्या है? तो महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है हरियल, जिसको येलो पिजन बोला जाता है इंग्लिश में। ये पक्षी काफ़ी सुंदर होता है। ये पक्षी ऐसा होता है जो अपनी लाइफ टाइम कभी भी ज़मीन पर पैर नहीं रखता। ये हरियल ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाले जंगलों, सदाबहार जंगलों में पाए जाते हैं या फिर पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। पतझड़ वन वो होते हैं जो मार्च के महीने में अपने पत्ते चढ़ा देता है और नए पत्ते लेकर आता है, तो उन पत्तों की ओट में ये हमेशा छिपा रहता है। ये पक्षी बाहर निकलना काफ़ी कम पसंद करता है और खासकर पीपल के पत्तों के पीछे छिपा रहता है। ये जो पीपल के छोटे छोटे फल होते हैं जिनको गोल बोलते हैं, उन्हें खाकर अपना टाइम पास करता है। तो काफ़ी सुंदर पक्षी होता है। ठीक है दोस्तों।